ब्रदर होम सेइंग मशीन JA1400। इस मॉडल के की फीचर्स है LED लाइटिंग, टॉप लोड बॉबिन, 4-स्टेप बटन होल एंड 14 बिल्ट इन स्टिचेस। इसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं। मशीन के साथ में इंक्लूडेड एक्सेसरीज जो आप देख रहे हो। फुट कंट्रोलर का 3-पिन सॉकेट मशीन के सॉकेट में इनपुट करना है और 2-पिन पावर पॉइंट के प्लग में इनपुट करना है। इसके बाद मशीन के नॉब्स हैं, थ्रेड टेंशन नॉब, पैटर्न सेलेक्टिंग डायल, रिवर्स स्टिच नॉब, स्पूल पिन और लास्ट में थ्रेड कटर। प्रेशर फुट लिफ्टर, जिसे हम प्रेशर फुट अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे बॉबिन वाइंडिंग। बॉबिन वाइंडिंग करने के लिए स्लाइड प्लेट को अपनी तरफ पुल करके रिलीज कर देना है और बॉबिन को निकाल लेना है बाहर। बॉबिन वाइंडिंग के लिए स्पूल पिन ऊपर लेना है और थ्रेड ट्यूब उसमें रख देना है। उसके बाद स्ट्रेट आते हुए इस क्लिप में अंदर की तरफ से और डिस्क में नीचे से क्रॉस। बॉबिन में यहाँ पर एक होल दिया है जिसमें आपको अंदर की तरफ से थ्रेड को बाहर निकालना है और बॉबिन को वाइंडर में फिक्स कर देना है और थ्रेड को होल्ड करके राइट साइड शिफ्ट करना है और फुट कंट्रोलर प्रेस करना है, जिससे बॉबिन वाइंड कंप्लीट हो जाएगा। बॉबिन फिल होने के बाद बॉबिन वाइंडर को लेफ्ट साइड ले लेना है और निकाल लेना है बाहर। बाहर निकालने के बाद थ्रेड को कट कर देना है। बॉबिन को बॉबिन केस में ड्रॉप कर देना है। हम मार्किंग को भी फॉलो कर सकते हैं। बॉबिन जो है अंदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहिए। उसके बाद बॉबिन को होल्ड करना है और पिन में डालते हुए थ्रेड को पीछे की तरफ ले जाना है और स्लाइड प्लेट फिक्स कर देना है। अभी हम करेंगे अपर थ्रेडिंग। अपर थ्रेडिंग के लिए सबसे पहले थ्रेड ट्यूब को स्पूल पिन में देना है और सीधे होते हुए 1 नंबर में डालना है। 1 नंबर से होते हुए हम 2nd नंबर स्ट्रेट आएंगे और नीचे से यूटर्न 3 नंबर, यूटर्न होते हुए 4 नंबर में अगेन यूटर्न राइट टू लेफ्ट और स्ट्रेट 5 नंबर नीचे। नीडल क्लैंप के साइड में क्लिप लगी हुई है, उस क्लिप में डालना है राइट टू लेफ्ट और सामने की तरफ से सुई में। ये हमारा अपर थ्रेडिंग कंप्लीट हो गया। बैलेंस व्हील घुमाते हुए बॉबिन का थ्रेड ऊपर लेना है और दोनों थ्रेड को होल्ड करके प्रेशर फुट के पीछे से छोड़ देना है। अभी हम करेंगे स्ट्रेट स्टिच। स्ट्रेट स्टिच के लिए 6-10 नंबर दिया है पैटर्न डायल पे, अलग अलग साइज में। सो सबसे पहले हम करेंगे 6 नंबर। 6 नंबर को मार्कर के सामने लगा देना है और फैब्रिक को प्रेशर फुट के नीचे लॉक कर देना है और फुट कंट्रोलर प्रेस करना है, जिससे हमारा स्टिच स्टार्ट हो जाएगा। 7, 8, 9 ये भी सेम तरीके से होगा। हम सेलेक्ट करते हैं 10 नंबर और सेम प्रोसीजर, फैब्रिक को लॉक करना है और फुट कंट्रोलर प्रेस करना है।
6 टू 10 स्टिचेस जो है साइज वेरिएशन की हमने फैब्रिक पे कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10। अभी हम करेंगे ज़िगज़ैग नंबर 4 सेलेक्ट करके फैब्रिक को प्रेशर फुट के नीचे लॉक कर देंगे और प्रेशर फुट प्रेस करेंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे एक डिज़ाइन 14 नंबर, सेम प्रोसीजर, यहाँ पर हमने ज़िगज़ैग कर लिया है और जो डिज़ाइन है वो भी हमने किया है 14 नंबर सेलेक्ट करके। जो भी पैटर्न आप देख सकते हो पैटर्न सेलेक्टिंग डायल पे जो दिख रहा है हमें बस उसमें सेलेक्ट करना है और फैब्रिक पे स्टिच करना है। अभी हम करेंगे पिको। पिको के लिए फुट चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेल है, टेल को अपनी तरफ पुल करना है जिससे ज़िगज़ैग फुट रिलीज हो जाएगा और हमें लगाना है पिको फुट। पिको फुट का जो रॉड है हमें प्रेशर फुट बार में सेंटराइज करना है और प्रेशर फुट लिफ्टर से प्रेशर फुट को नीचे ले लेना है जिससे प्रेशर फुट लॉक हो जाएगा और पिको के लिए सेलेक्ट करना है स्टिच नंबर 4। स्टिच नंबर 4 सेलेक्ट करने के बाद फैब्रिक को प्रेशर फुट के नीचे सेंटर में रखना है और प्रेशर फुट को नीचे रख देना है। बैलेंस व्हील को घुमा के फैब्रिक को नीडल से लॉक कर देना है और फैब्रिक को पीछे की तरफ खींच के हल्का सा फुट के होल्डर में लॉक करना है और प्रेशर फुट कंट्रोलर को धीरे धीरे चलाना है जिससे हमारा पीको बहुत ही इजीली हो जाएगा। ये हमारा पीको रेडी। अभी हम करेंगे ओवरलॉक। ओवरलॉक के लिए ज़िगज़ैग फुट लगाना है प्रेशर फुट को चेंज करके ज़िगज़ैग फुट फिक्स करना है। और जहाँ पर ओवरलॉक करना है वो फैब्रिक को प्रेशर फुट के नीचे सेंटर में रख देना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि ज़िगज़ैग का जो एक स्टिच होगा फैब्रिक के एज पर होगा बाहर की तरफ और एक स्टिच अंदर की तरफ और ये सेलेक्ट करके हमें स्टिच कंप्लीट करना है। ये हमारा ज़िगज़ैग स्टिच कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें लेफ्ट साइड कॉर्नर पर एक नॉर्मल स्टिच करना है। सेकेंड स्टेप में इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे स्टिच नंबर 8 जो मीडियम साइज होता है और फैब्रिक को प्रेशर फुट के सेंटर में रखेंगे जहां पे नीडल ड्रॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर पर हो ज़िगज़ैग के और प्रेशर फुट को प्रेस करके कंटिन्यू करना है स्टिच। ये हमारा ओवरलॉक रेडी हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो फैब्रिक को हमने ओवरलॉक के थ्रू ज्वाइन कर दिया है। अभी हम करेंगे बटन होल। बटन होल के लिए प्रेशर फुट लगता है A, प्रेशर फुट को फिक्स कर देना है। बटन होल जो है 4 स्टेप में होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे स्टिच नंबर B जो फर्स्ट स्टेप होगा और यहां पे आप बटन होल के फुट में देख सकते हैं
अंदर की तरफ जो है एक छोटा पॉइंट है मार्कर, और बाहर की तरफ बहुत सारे मार्कर है। तो हमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करना है। दोनों मार्कर को बाहर वाले और अंदर वाले सेम जगह पे रखना है, और हमारा बटन की साइज़ के हिसाब से हमें आगे मार्किंग सेलेक्ट करना है। अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टिचेस। अंदर की मार्किंग को बाहर की मार्किंग से मैच करना है एकदम आमने सामने। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है सेकंड स्टेप, मींस एसी। जिसे हमें 7 to 8 स्टिचेस करके लॉक कर देना है। सेकंड स्टेप कंप्लीट। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे स्टेप नंबर 3, मींस डी। जितना हम बी के लिए आगे गए थे उतना ही डी के लिए हमें रिवर्स आना है। और मशीन को स्टॉप कर देना है। अब लास्ट स्टेप 4, उसके लिए अगेन हमें सेलेक्ट करना है एसी और 7 to 8 स्टिचेस करके मशीन को स्टॉप कर देना है, जिससे हमारा बटन होल रेडी हो जाएगा। यह हमारा बटन होल रेडी। उसके बाद हमें जो बीच का फैब्रिक है उसे कट करना है। बटन होल को कट करने के लिए सीम रिपर मशीन के साथ में आता है। बस हमें कैप निकालना है और सीम रिपर का पॉइंट बटन होल के बॉटम साइड से अंदर करना, होल करना है और सीम रिपर को खींच लेना है, जिससे हमारा बटन होल कट जाएगा और एकदम रेडी हो जाएगा। अभी हम करेंगे बटन फिक्सिंग। बटन फिक्सिंग के लिए 2 अटैचमेंट लगते हैं। सबसे पहले डार्निंग प्लेट और बटन फिक्सिंग फुट M। तो हम लगाएंगे सबसे पहले डार्निंग प्लेट। डार्निंग प्लेट लगाने के लिए हमें जो भी प्रेशर फुट लगा हुआ है वो रिलीज करना है। और डार्निंग प्लेट में आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हुक हैं, जो नीडल प्लेट के 2 होल में फिक्स करना है हमें। तो इस तरीके से हम पहले लेफ्ट साइड का हुक होल में डालेंगे और राइट साइड से फिक्स कर देंगे। इस तरीके से हम डार्निंग प्लेट फिक्स कर सकते हैं। और एम प्रेशर फुट लगाना है, जो रेगुलर हम जिगजैग बटन होल पीको फुट उसी तरीके से फिक्स कर देना है। बटन फिक्सिंग के लिए आपको सेलेक्ट करना है स्टिच नंबर 3। आपका कोई भी साइज का बटन हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, 2 होल्स हो 4 होल्स हो, आपका स्टिच जो रहेगा नंबर 3 रहेगा। फैब्रिक को प्रेशर फुट के नीचे रखना है और जहां पर भी बटन लगाना है बटन को वहां पर आपको इस पोजीशन से रख के प्रेशर फुट से लॉक कर देना है। बैलेंस व्हील से घुमाते हुए नीडल को नीचे लेना है और बटन के दोनों होल मैच हो रहे हैं नहीं वो देखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। होल मैच होने पर 8 to 9 स्टिचेस करना है और स्टिच को लॉक कर देना है। फर्स्ट 2 होल होने के बाद हमें प्रेशर फुट लिफ्टर से प्रेशर फुट को ऊपर लेना है और बटन को आगे की तरफ पुश करना है, जिससे हमारा नेक्स्ट 2 होल हम स्टिच कर सकें। उससे पहले हमें अगेन 2 होल्स मैच करना है एंड 8 to 9 स्टिचेस से लॉक कर देना है, जिससे हमारा बटन फिक्सिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बटन फिक्सिंग रेडी हो गया है। मैंने जो किया है स्ट्रेट में किया है, हम चाहें तो क्रॉस में भी कर सकते हैं, प्रोसीजर सेम रहेगा। अभी हम करेंगे जिप अटैचिंग। जिप अटैचिंग के लिए हमें यूज करना है फुट जिपर फुट। आप देख सकते हैं इसमें 2 होल्डर हैं लेफ्ट और राइट,
ताकि हम जिप में लेफ्ट और राइट करके यूज कर सकते हैं। स्टिच नंबर लेना है 9 और कोई भी साइड का होल्डर ले सकते हैं, लेफ्ट या राइट। जिप को फैब्रिक के ऊपर रख के स्टिच देख लेना है एक बार हाथ से घुमा के बैलेंस व्हील को, ताकि नीडल जिप के ऊपर ना ड्रॉप हो। और कंप्लीट करना है। फुट को जिपर लॉक तक लाके रोक देना है और प्रेशर फुट का लिफ्टर ऊपर करके जिपर लॉक को आगे की तरफ ले लेना है, जिससे हमारा बचा हुआ स्टिच कंप्लीट हो सके। और एंड में रिवर्स स्टिच से लॉक कर देना है। उसके बाद हमें राइट साइड का जिप लगाना है, तो प्रेशर फुट को रिलीज करके उसका पोजीशन राइट की तरफ ले लेना है। जिप को फैब्रिक के ऊपर रख के स्टार्ट कर देना है स्टिचेस। ये हमारा जिप अटैचिंग कंप्लीट हो गया। अभी हम करेंगे डार्निंग। डार्निंग के लिए स्टिच सेलेक्ट करना है नंबर 13 और डार्निंग जो होता है इट मींस रफू। रफू के लिए भी जिगजैग फुट ही लग जाता है, जो छोटा मोटा कटा फटा होता है उसे हम इजीली रफू इसमें कर सकते हैं। जहां पर भी कटा हुआ हो वो फैब्रिक को प्रेशर फुट के सेंटर में रख देना है और प्रेशर फुट को नीचे ले लेना है। नीचे लेने के बाद फैब्रिक को अपनी तरफ पुल करके धीरे से स्लो स्पीड में फुट कंट्रोलर प्रेस करना है और धीरे धीरे स्टिच करते जाना है, जिससे हमारा जो रफू होगा बहुत अच्छे से होगा। आप मैचिंग कलर यूज करेंगे तो बहुत ही क्लियर व्यू रहेगा। ये हमारा रफू कंप्लीट हो गया। आप इसे पुल करके भी देख सकते हैं, कहीं से भी ये कटा हुआ नहीं है। मैचिंग कलर होने की वजह से जरा भी स्टिचेस मालूम नहीं पड़ता है। अभी हम करेंगे एप्लिक पैचवर्क। एप्लिक पैचवर्क करने के लिए हमें स्टिच सेलेक्ट करना है नंबर 5। बट नंबर 5 में यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें 3 टाइप की स्टिचेस दिया है, हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। तो हम हाई डेंसिटी लेते हैं, जिससे हमारा फिलिंग अच्छे से हो। एप्लिक करने के लिए 2 मटेरियल लगता है, जैसे बेस फैब्रिक और एप्लिक मींस आपका जैसे कार्टून होगा, फ्लावर होगा, रेक्टेंगल, सर्कल, उसी तरीके से हमें बेस फैब्रिक पे रख के फिलिंग स्टिचेस से फिल कर देना है। एक चीज ध्यान में रखना है, जो जिगजैग फिलिंग स्टिचेस होगा वो राइट साइड फैब्रिक के ऊपर रहेगा और एक स्टिचेस फैब्रिक के बाहर होगा। और धीरे धीरे स्टार्ट कर देना है स्टिचेस। कॉर्नर में आके हम उसको रोक के टर्न आउट कर सकते हैं। अगर आपका जैसे राउंड सर्कल होगा तो आप डायरेक्टली भी उसको राउंड कर सकते हैं, बट ये हमारा स्क्वायर में है इसके लिए मैंने इसे स्टॉप करके टर्न किया है। एप्लिक पैचवर्क करना इसमें बहुत ही आसान है। इसमें आप फ्रेम के थ्रू भी एप्लिक लगा सकते हैं हाथ के मूवमेंट के ऊपर। हमारा एप्लिक पैचवर्क कंप्लीट हो गया है। यहाँ देख सकते हो आप कितनी आसानी से हमने पैच लगा दिया है।
एक्सेसरीज हमने एक्सेसरीज पाउच में डाल दी है और ये मिसप्लेस ना हो कहीं, इसके लिए मशीन के अंदर ही एक्सेसरीज बॉक्स दिया है। इसे हम लेफ्ट साइड स्लाइड करके रिलीज कर सकते हैं।